और आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं जहां पर पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। वर्षों में नहीं कर पाए क्योंकि ऐसी अप्रोच के साथ में हमारे डिपार्टमेंट ने उतना अच्छा एफिशिएंटली काम उतने वर्षों में नहीं किया जितना हम लोगों को करना था। क्योंकि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्रद्धेय कमलनाथ जी का फोकस इस डिपार्टमेंट पे बहुत है और कहीं ना कहीं उनको भी लगता है, हमारे डिपार्टमेंट को भी लगता है और मुझे भी लगता है कि मध्य प्रदेश की इमेज को हम नेशनल लेवल पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट के माध्यम से और हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट की इमेज को रिफ्लेक्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो करना चाहता है, जो हमारे पास है, कहीं ना कहीं अगर हम इसको नेशनल वाइड और इसको प्रमोट करें तो हम लोग एक बहुत अच्छा टूरिज़्म को मध्य प्रदेश में हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। और आप लोग भी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और एक आपका अनुभव है, एक आपका एक्सपीरियंस है एंड यू हैव बीन वर्किंग फॉर अ सच अ वेरी लॉन्ग टाइम इन दिस फील्ड। तो आप लोगों के साथ में मिलके एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, पर इसके लिए एक अप्रोच की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट को और हमारे सभी यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स भी डिपार्टमेंट के सब लोग आए हैं। देखिए एक अप्रोच है आपकी और हमारी कि हम मिलके मध्य प्रदेश में टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में टूरिज़्म को आगे ले जाना चाहते हैं और एम्प्लॉयमेंट स्टेट में जनरेट करना चाहते हैं। इस तरह के जो आयोजन जब किसी स्टेट में होते हैं तो कहीं ना कहीं टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, टूरिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है। और आप किदवई साहब ने बताया आपको कि जो टूरिज़्म इंटरनेशनल टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिस्ट जो मध्य प्रदेश में विगत वर्षों से आए हैं उसको हम अगर हम देखते हैं, उसकी डिटेलिंग में जाते हैं तो लगभग 80% ऑफ शेयर कम्स फ्रॉम द डोमेस्टिक टूरिज़्म एंड एल्स इज फ्रॉम द इंटरनेशनल टूरिस्ट। तो जब डोमेस्टिक टूरिज़्म को में इतना ज़्यादा हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स हैं, इतना सारा हमारे पास उसको ग्रोथ करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ADTOI और हम अगर हम मिलके काम करें तो टूरिज़्म को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। और बेसिकली व्हाट ऑल यू वांट, आप भी क्या चाहते हैं, आप किसी स्टेट में अगर आप टूरिज़्म को प्रमोट चाहते हैं तो आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज मिले, प्रॉफिटेबल बिज़नेस हो। आप अलग जिस स्टेट से आप कंपेयर करें या किसी टूरिस्ट को आप हमारे स्टेट में भेजें तो आप कह सकें मध्य प्रदेश इज सेफ टूरिज़्म, मध्य प्रदेश में बहुत कुछ है। बेसिकली आज जिस तरह के एड्स या वो हम लोग देखते आए हैं तो स्पेसिफिकली उस तरह से ऐड बनाए जाते हैं कि टूरिज़्म इज सेफ इन देयर स्टेट। अगर महाराष्ट्र के बारे में किसी टूरिज़्म सेक्टर ने बनाया है, कर्नाटका में बनाया है, आंध्र ने बनाया है, पंजाब ने बनाया है, जैसे राजस्थान में बनाया है, तो इस तरह से वो अपने एड्स को फोकस करते हैं कि टूरिज़्म फॉर टूरिस्ट जो हमारे स्टेट में आ रहे हैं उनके लिए सेफ़ है। एंड आई कैन गारंटी यू मध्य प्रदेश को अगर हम देखें सेंट्रली लोकेटेड है, सेफ है, इसलिए मध्य प्रदेश में टूरिज़्म और टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए हम लोग पूरा ध्यान कर रहे हैं। और इस तरह से हम पॉलिसी में भी ला रहे हैं जो टूरिज़्म के हमारे डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे एक तो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर हो, क्योंकि टूरिस्ट आए उसकी मेडिकल रिक्वायरमेंट उसको अगर हो तो उसको वहाँ पे मिले। दूसरा जो सेफ्टी है, जो कंसर्न है, अगर कोई टूरिज़्म टूरिस्ट किसी भी पार्ट इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, अगर वो टूरिज़्म को प्लान करता है तो बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करता है, तो मध्य प्रदेश में टूरिज़्म भी सेफ़ है, डेस्टिनेशन भी सेफ़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ से हम लोग उसको अपडेट कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत हमारे टूरिस्ट को हमारे यहाँ पे नहीं आए। पर इसके लिए हमको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना होगी। और एक हम गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आप लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो सकता है एज अ गवर्नमेंट सेक्टर हम लोगों ने इतना एक्सप्लोर नहीं किया हो चीज़ों को, पर आप बहुत सारे चीज़ों को स्वयं एक्सप्लोर करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाके बात करते हैं और आपको पता है कि किस स्ट्रेटजी से हमको आगे बढ़ना है, किस तरह से हमको आगे लेके चलना है। आप हर फील्ड में आप उसको स्टडी करते हैं। देखिए
मध्य प्रदेश में टूरिज़्म हम अकेले ही नहीं प्रमोट कर सकते, उसके लिए हमें जो ट्रैवलर्स हैं, होटलियर्स हैं, ट्रैवल एजेंसीज हैं, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में मिलके बैठ के हमको साथ में हम लोग उनको लेके चलना चाहते हैं। जिस तरह से आज आपने बात अपनी रखी है और आप अपनी बात मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, मध्य प्रदेश में टूरिज़्म को, प्रोविंसेस टूरिज़्म को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, जिस तरह से आप एक रूपरेखा बना के अपने स्ट्रेटेजी बना के आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम भी आपका स्ट्रेटेजी का पार्ट बन के एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में, कोऑर्डिनेशन के साथ में, होटलियर्स के साथ में, ट्रैवल एजेंसीज के साथ में और आपके साथ में बैठ के हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपकी एक नई शुरुआत मध्य प्रदेश के लिए है और आपके जो नए ADTOI के मध्य प्रदेश चैप्टर के जो अध्यक्ष हैं अतुल सिंह जी, सेक्रेटरी प्रतुल त्रिवेदी जी, ट्रेजरर जो बने हैं संदीप पांडे जी, एंड दिस टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगा यू हैव अ लेडी एंटरप्रेन्योर आल्सो विथ यू नीलम जी, तो एक अच्छी टीम आपने मध्य प्रदेश में बनाई है। तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में अगर आपने 11वें चैप्टर की शुरुआत की है तो हम लोग भी इस चैप्टर को जो आपने टीम यहाँ पे बनाई है उनको साथ में लेके एक अच्छा टूरिज़्म को मध्य प्रदेश में बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाएं, साथ में हम लोग आपको लेके चलेंगे, मेरा पूरा आपको ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और आपको जो आप सब लोग यहाँ पे आए हैं आपको विशेषकर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप यहाँ पे आपने जो अपना समय दिया है, दूर दूर से आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो कहीं भी कहीं ना कहीं ये फ्रूटफुल हो, ये आपकी कन्वेंशन जो आपने रखा है कहीं ना कहीं इसका लाभ मध्य प्रदेश में टूरिज़्म को बढ़ाने को मिले। और जो भी आपको लगता है कि एज अ मिनिस्टर, एज अ चीफ मिनिस्टर हमारे कमलनाथ जी से भी अगर आपका डेलीगेशन कभी मिलना चाहे, कोई अपनी बात रखना चाहे मध्य प्रदेश में टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, तो हम उनके साथ में भी आपकी एक मीटिंग रखवा सकते हैं।